नमस्कार, EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनेट वर्किंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। इंटरनेट वर्किंग में सबसे पहली बात यह आती है कि इंटरनेट क्या होता है। ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। सीधे सीधे सबसे साधारण शब्दों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम इंटरनेट कह सकते हैं। इंटरनेट वर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को हम जोड़ते हैं, सच दैट एनी पेयर्स ऑफ होस्ट्स इन द कनेक्टेड नेटवर्क्स कैन एक्सचेंज मैसेजेज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हार्डवेयर लेवल नेटवर्क टोपोलॉजी। कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का चाहे कोई भी हार्डवेयर नेटवर्क टोपोलॉजी हो, वो मैसेजेस को, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। कोई भी दो होस्ट आपस में सूचनाएं ले दे सकते हैं, चाहे उनकी हार्डवेयर टोपोलॉजी का लेवल कुछ भी हो। द रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स आर कॉल्ड एन इंटरनेटवर्क और सिंपली एन इंटरनेट। और इस प्रकार से जो रिजल्टिंग नेटवर्क हमको जो प्राप्त होता है, उसको हम इंटरनेटवर्क या सामान्य रूप से इंटरनेट का नाम देते हैं, जो कि हम आम रेगुलर बहुत ज़्यादा इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल ऑफ इंटरनेटवर्किंग इज़ द इंटरनेट, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन मेनी अंडरलाइंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। इंटरनेटवर्किंग का सबसे सामान्य उदाहरण इंटरनेट है, और इंटरनेट को हम बहुत छोटे से छोटे शब्दों में कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन मेनी अंडरलाइंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जिसके आधारभूत रूप में जिसमें कई हार्डवेयर टेक्नोलॉजी समाहित होती है। द इंटरनेट इज डिफाइंड बाय अन यूनिफाइड ग्लोबल एड्रेसिंग सिस्टम्स, पैकेट फॉर्मेट एंड राउटिंग मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कई ग्लोबल एड्रेसिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, पैकेट फॉर्मेट हो सकते हैं, राउटिंग मेथड्स हो सकते हैं, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, सेट ऑफ रूल्स के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं। द टर्म इंटरनेट वर्किंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इंटर मीन्स बिटवीन एंड नेटवर्किंग। कि इंटरनेट वर्किंग बिटवीन नेटवर्किंग दो शब्दों से मिलकर बना है। ए स्पेसिफिक इंटरनेट वर्किंग कंसिस्टिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन ऑफ गवर्नमेंटल, एकेडमिक, पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स बेस्ड अपॉन द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट, डेवलप्ड बाय अर्पा ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, आल्सो होम टू द वर्ल्ड वाइड वेब WWW एंड रेफर टू एज द इंटरनेट विद अ कैपिटल आई टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द जेनरिक इंटरनेट। अब इंटरनेट, एक जेनरिक इंटरनेट जो वर्क था, इंटरनेट वर्क था, उसके कंपैरिजन में इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, WWW हम यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो हम यूज़ करते हैं, वो मूल रूप से US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का अर्पा के द्वारा डेवलप किया गया था, अर्पानेट प्रोजेक्ट के तहत, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के तहत। और ये वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन है गवर्नमेंटल, एकेडमिक, पब्लिक, प्राइवेट नेटवर्क्स का। पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरनेट और देयर सर्विस प्रोवाइडर्स यूज आईपी एड्रेसेस ऑब्टेंड फ्रॉम द एड्रेस रजिस्ट्रीज दैट कंट्रोल्स असाइनमेंट्स। अब इंटरनेट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, या जिनको हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, इन ISPs कहते हैं, वो आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, और वो एड्रेस कंट्रोल असाइनमेंट्स के थ्रू उन एड्रेस रजिस्ट्रीज के जरिए उनको प्राप्त होते हैं। तो एक थोड़ा सा आपको अनुभव, ज्ञान, जानकारी इंटरनेट के बारे में इन दो पहली स्लाइड्स के जरिए मैंने आप तक पहुंचाई है। टू एनेबल कम्युनिकेशन एवरी इंडिविजुअल नेटवर्क नोड और फेज इज डिज़ाइंड विथ सिमिलर प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन लॉजिक दैट इज TCP और IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल
और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब संचार कैसे होगा, कम्युनिकेशन होगा कैसे होगा, तो हर एक नेटवर्क नोड या फेज सिमिलर प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन लॉजिक को डिज़ाइन कर वहाँ डिज़ाइन होती है, जो कि TCP या IP में से एक हो सकती है। वंस अ नेटवर्क कम्युनिकेट्स विथ अनदर नेटवर्क हैविंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, इट इज़ कॉल्ड इंटरनेटवर्किंग। अब एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसीजर अगर होता है एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से, तो इसको हम इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। इंटरनेटवर्किंग वाज डिजाइन टू रिजॉल्व द मैटर ऑफ डिलीवरिंग ए पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मेनी लिंक्स। अब वास्तव में इंटरनेटवर्किंग क्या है? एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कई लिंक्स के जरिए किस प्रकार से पहुंचाया जाए, उस पूरी स्ट्रैटेजी को रिजोल्व करने का, सोल्व करने का मेथडोलॉजी है। नाउ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंटरनेट बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी लार्ज नेटवर्क्स विच इंटरकनेक्ट्स विद ईच अदर। अब इंटरनेट की जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो कई लार्ज नेटवर्क से बनी होती है, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। दीज लार्ज नेटवर्क्स आर नॉन एज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स और NSPs। ये जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं वो NSPs या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। सम ऑफ द लार्ज NSPs आर UUNET, सर्फनेट, IBM, BBPlayNet, स्प्रिंटनेट, PSINet as well as others। तो ये बड़े NSPs हैं, उनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स मैंने कोट किए हैं। दीज नेटवर्क्स पीयर विथ ईच अदर टू एक्सचेंज पैकेट ट्रैफिक। अब ये पीयर का मतलब समान समकक्ष, पैकेट ट्रैफिक को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ईच NSP इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू 3 नेटवर्क असेस पॉइंट्स और नेप्स। अब हर एक NSP 3 नेटवर्क असेस पॉइंट से जुड़ा रहता है, जिनको NAPs कहते हैं। एट द NAPs पैकेट ट्रैफिक में जंप फ्रॉम वन NSP's बैकबोन टू अनदर NSP's बैकबोन। नेप्स के ऊपर नेटवर्क एसेस पॉइंट्स के ऊपर एक NSP से दूसरे NSP's बैकबोन में पैकेट ट्रैफिक जंप करता है। NSP's आल्सो इंटरकनेक्ट एट मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सचेंज और MAEs। NSP's मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सचेंज के यहाँ पे एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। MAEs सर्व द सेम पर्पज एज द NAPs बट आर प्राइवेटली ओन्ड। अब MAEs क्या होते हैं? प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। NAPs वर द ओरिजिनल इंटरनेट इंटरकनेक्ट पॉइंट्स। NAPs मूल रूप से इंटरनेट के इंटरकनेक्ट पॉइंट्स थे। बोथ NAPs एंड MAEs आर रेफर्ड टू एज द इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट और IXCs। अब ये दोनों कंबाइंड रूप से NAPs और MAEs IXCs कहलाते हैं। NSPs also sell bandwidth to smaller network such as ISPs and smaller bandwidth providers। NSPs क्या करते हैं? अपनी bandwidth को smaller networks को या smaller ISPs को, internet service providers को, small bandwidth providers को sell करते हैं। Below is a picture showing this hierarchical infrastructure। नीचे जो pictures दे रखे हैं इस को बतलाएं। ऊपर ही ऊपर क्या है? नेप है, MAE है और नीचे NSPs है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनके कुछ एग्जांपल है सर्फनेट, UUNET, PSINet। उसके बाद में रीजनल ISPs हैं और लास्टली लोकल ISPs हैं। तो ये आपको इंटरनेट वर्किंग में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल पैक डायग्राम शो किया गया है। और अगर इंटरनेट वर्किंग के डायग्राम्स हम देखते हैं तो एक दूसरे डायग्राम्स के अंदर वेन सेंट्रल के अंदर दिखाया गया और वेरियस लेंस सराउंड्स के अंदर बतलाए गए हैं। एक अनदर वर्किंग और राउटिंग का एग्जांपल्स बताया गया इंटरनेट का, कि एक मोडेम के थ्रू राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी में इंफॉर्मेशन जा रही है और राउटर्स के थ्रू वेरियस लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम ये वर्किंग को कुछ समझ सकते हैं।
Now, after the studying the hardware, we come to the internet work addressing. Addressing address करना डाक पत्र के ऊपर लिफाफे पर एड्रेस लिखना 8085 के अंदर एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी देखना 8086 में एड्रेसिंग मोड देखना तो ये सब बातें हम पहले से जानते हैं। अब हम इंटरनेट वर्क एड्रेसिंग के बारे में जब बात करते हैं देन इंटरनेट वर्क एड्रेसेज इस्टाब्लिश डिवाइसेस सिवरली और एज मेंबर्स ऑफ अ बंच एड्रेसिंग स्कीम्स डिफर बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल फैमिली एंड देयरफॉर द ओएसआई लेयर। अब एड्रेसिंग स्कीम्स ओएसआई लेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है। थ्री काइंड्स ऑफ इंटरनेट वर्क एड्रेसेज एरिया यूनिट ऑर्डिनरली यूज डेटा लिंक लेयर एड्रेसेज मैक एड्रेसेज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेज एंड नेटवर्क लेयर एड्रेसेज। तो तीन तरह के डेटा मैक और नेटवर्क लेयर एड्रेसेज तीन तरह के हैं। तो पहले तरह का एड्रेस हम देखते हैं डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस। ए डेटा लिंक लेयर एड्रेस अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइज एवरी फिजिकल नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर बिल्कुल पास पास होते हैं, फिजिकल डिवाइस उसके जस्ट नीचे होते हैं। तो ये डेटा लिंक लेयर एड्रेस प्रत्येक फिजिकल नेटवर्क जो कि नेटवर्क डिवाइस एसोसिएटेड है उनको एग्जामिन करता है, आइडेंटिफाई करता है। डेटा लिंक एड्रेसेस टिपिकली एरिया यूनिट साइटेड इज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेसेस, इसलिए इनको हार्डवेयर एड्रेसेस भी कहते हैं। डेटा लिंक एड्रेसेस समटाइम्स एग्जिस्ट अमंग अ फ्लैट एड्रेस एरिया एंड हैव अ प्री एस्टैब्लिश्ड एंड यूजुअली फास्टेंड रिलेशनशिप टू अ सेलेक्टेड डिवाइसेस एंड सिस्टम यूजुअली हैव जस्ट वन फिजिकल नेटवर्क एसोसिएशन एंड देयरफॉर हैव जस्ट वन डेटा लिंक एड्रेस। जो आखिरी सिस्टम है उसके पास वन फिजिकल नेटवर्क एसोसिएशन होती है और वन डेटा लिंक एड्रेस होता है। राउटर्स एंड डिफरेंट इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेज यूजुअली हैव मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क कनेक्शंस एंड सो इवेंचुअली हैव मल्टीपल डेटा लिंक एड्रेस। राउटर और जो डिफरेंट इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेज होते हैं उनके पास मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क से वो जुड़े हुए हो सकते हैं, कई फिजिकल नेटवर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं और उनके पास मल्टीपल डेटा लिंक एड्रेसेज होता है। लेकिन जो एंड सिस्टम होता है उसके पास वन डेटा लिंक एड्रेसेज होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस के बारे में जानी। इसके बाद हम मैक एड्रेसेस पर आते हैं। मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट एड्रेसेस इनकम्पासेस अ सेट ऑफ डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस की एक समुच्चय होता है डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस का। मैक में मैक एड्रेसेस एस्टैब्लिश नेटवर्क एंटिटीज इन लेंस दैट इंप्लीमेंट द IEEE मैक एड्रेसेस ऑफ द डेटा लिंक लेयर लेयर। मैक एड्रेस जो होते हैं वो लेन के अंदर नेटवर्क एंटिटीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं और IEEE मैक एड्रेस को डेटा लिंक लेयर में इंप्लीमेंट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। मैक एड्रेसेस डिफरेंट एरिया यूनिट डिस्टिंक्टली फॉर एवरी लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस। मैक एड्रेसेस आर 48 बिट्स लॉन्ग एंड आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। 48 बिट की लंबाई वाले मैक एड्रेसेस होते हैं और 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के जरिए इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द प्राइमरी हाफ डजन हेक्साडेसिमल डिजिट्स दैट आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय द IEEE एस्टैब्लिश द मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एंड देयरफॉर कंप्राइज द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI। तो जो शुरू के हैं वो OUI को रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट हाफ डजन पोजिशनल नोटेशनल डिजिट कंप्राइजेस द इंटरफेस सीरियल वेराइटी और अनदर प्राइस एडमिनिस्टर्ड बाय द पर्टिकुलर मर्चेंट। तो रिमेनिंग 12 दूसरा जो पर्टिकुलर मर्चेंट है उसके द्वारा इंटरफेस सीरियल वेराइटी को आइडेंटिफाई करता है। मैक एड्रेसेस टिपिकली एरिया यूनिट रेफर टू एज बर्न इन एड्रेसेस BIS एज अ रिजल्ट ऑफ बर्न इनटू रोम एंड आर ट्रेस्ड इनटू रेम वंस द इंटरफेस कार्ड इनिशियलाइज। तो ये रोम के अंदर हो रहते हैं और रेम के अंदर इनको अपन ट्रेस कर सकते हैं जब भी
इंटरफेस कार्ड को हम प्रारंभ करते हैं, जीरो लेवल से आगे बढ़ाते हैं। नेटवर्क लेयर एड्रेसेस, नेटवर्क एड्रेसेस समटाइम्स एग्जिस्ट अमंग ए ग्रेडेबल एरिया एंड नेटवर्क लेयर एड्रेसेस समटाइम्स एग्जिस्ट अमंग ए ग्रेडेबल एड्रेस एरिया एंड टिपिकली एरिया यूनिट रेफर टू एज अ वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेस। द कनेक्शन बिटवीन अ नेटवर्क एड्रेस एंड अ टूल इज लॉजिकल एंड यूनिफिक्स्ड। इट इज यूजुअली रिलाइज आइदर ऑन फिजिकल नेटवर्क करेक्टरिस्टिक और ऑन द ग्रुपिंग दैट डू नॉट हैव एनी फिजिकल बेसिस। नाउ चैलेंजेस ऑफ इंटरनेटवर्किंग। इम्प्लीमेंटिंग अ यूजफुल इंटरनेटवर्क इज नॉट एट एनी सर्टेनिटी। द इनिशियल चैलेंज लाइज वेन वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट न्यूमरस सिस्टम्स टू सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिस्पेरेट टेक्नोलॉजीज। अनदर इसेंशियल थॉट इज रिलायबल सर्विस दैट शुड बी मेंटेन इन इंटरनेटवर्क। नेटवर्क मैनेजमेंट शुड गिव सेंट्रलाइज सपोर्ट एसोसिएटेड डिग्री ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटीज इन द इंटरनेटवर्क। फ्लेक्सिबिलिटी द अल्टीमेट कंसर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क एनलाइजमेंट एंड न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। थैंक्स।